चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग मंडल ज्वाली के द्वारा इंदौर स्टेडियम ज्वाली में 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जल शक्ति विभाग ज्वाली के अधिशासी अभियंता अजय शर्मा ने किया। अब इस टूर्नामेंट में इलाके की 18 टीम जो है वो भाग ले रही है। उन्होंने बताया कि समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार करेंगे और विजेता टीमों को नगद इनाम देकर भी सम्मानित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट इसलिए क्योंकि पिछले लगभग एक साल से हम सब लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, तो सबकी इच्छा थी कि एक टूर्नामेंट किया जाए और जिसका मेन फोकस यही था कि लड़के जो है वो अच्छी सोसाइटी की तरफ जाएं, नशे से दूर रहे और क्रिएटिव काम की तरफ लोगों का ध्यान जाए। तो यहाँ पे जब से आए हैं तो काफ़ी लड़के यहाँ पे जुड़े हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर एक टूर्नामेंट आयोजन कर रहे हैं और जिसकी मेन प्रेरणा जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी, जो हमारे पशुपालन मंत्री हैं, उनके मिली है, क्योंकि वो चाहते थे कि उसको एक कंस्ट्रक्टिव काम में जोड़ा जाए और कुदरती ऐसा हुआ कि यहाँ पे बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट स्टेडियम है इसको भी हमने ठीक किया और यहाँ पे गेम्स का आयोजन शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी लड़के जुड़ गए और आज कम से कम 18 टीमें जो है वो यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं और अच्छी बात है कि यूथ जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम से जुड़े। और इसमें क्या क्या इनाम वगैरह? इसमें हमने जो फर्स्ट टीम है उसको 11,000 रुपया रखा है, जो रनर अप है उसके लिए 5,500 रुपया और जिस सारे टूर्नामेंट के दौरान अच्छा प्लेयर बेस्ट प्लेयर जो होगा उसको 2100 रुपया रखा है। बाकी इनके लिए रिफ्रेशमेंट भी है सबके लिए जो प्लेयर्स काम कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य आयोजन में जल शक्ति विभाग जो है उसका एक कंस्ट्रक्टिव रोल है जो कि लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है और लोग इसमें शामिल होकर के खुश भी।